गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सब? अच्छे हैं। खा पी के आए हो? यस मैम। वेरी गुड। आज हम आप लोगों को हाथ धुलने की प्रक्रिया बताएंगे और हाथों को क्यों धुलते हैं, ठीक है, ये बताएंगे। चलो, ये आपको कुछ दिख रहा है क्या? यस मैम। क्या दिख रहा है? हैंड। और ये हैंड कैसा दिख रहा है? साफ सुथरा दिख रहा है ना? Yes, ये इतना साफ क्यों दिख रहा है? हाँ, क्योंकि ये साबुन से धुला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग घर से आते हो तो नहा के आते हो ना? Yes, तब तो आपके हाथ साफ रहते हैं। Yes, उसके बाद आप खेलते हो। Yes, कई चीजों को छूते हो। Yes, तो क्या आपको पता है कि हम जब खेलते हैं, चीजों को छूते हैं या कुछ और काम करते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गंदे। क्या हो जाते हैं? गंदे। हाँ, और गंदे होने के बाद उसमें क्या आ जाते हैं? कीटाणु। क्या आ जाते हैं? कीटाणु। क्या आप उन कीटाणुओं को देख पाते हैं? नो मैम। देख सकते हैं? नो मैम। चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ वो कीटाणु कैसे दिखते हैं, ठीक है। वो कीटाणु कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। यस मैम। सबको दिख रहा है? यस मैम। वो ऐसे होते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से इनको देख नहीं पाते। सब लोग अपने हाथ देखो, क्या ऐसे दिख रहे हैं कीटाणु? नो मैम। दिख रहे हैं? नो मैम। नहीं दिख रहे हैं ना? नो मैम। इनको हम अगर देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें लेंस लगे होते हैं, ठीक। तो ये कीटाणु हमें कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो इन कीटाणुओं को साफ करने के लिए, अपने हाथों को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साबुन से अपने हाथों को धुलना पड़ेगा। हाँ, साबुन से धुलना पड़ेगा, ठीक है। साबुन से हमें कम से कम 30 सेकंड तक अपने हाथों को मलना चाहिए, ठीक है। और कैसे कैसे मलना चाहिए मैं बता रही हूँ, बाकी बच्चे वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम साबुन लेंगे और पानी लेंगे और उसको ऐसे ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक। फिर हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर अपनी कलाइयों को भी हम अच्छी तरह से साबुन लगाएंगे, ठीक है। सब बच्चे इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हाथों को साफ पानी से धुलेंगे और साफ पानी से धुलने के बाद फिर मैं बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। तो जब हम पानी से धुलेंगे अपने हाथों को साबुन लगाने के बाद, तो हमारे हाथ इस तरह से साफ हो जाएंगे, इस तरह से ऐसे साफ हो जाएंगे और सारे कीटाणु पानी में बह जाएंगे, ठीक है। अब हाथ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं ना? यस मैम। पानी और साबुन से हाथ धुलने के बाद हाथ कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल साफ, ठीक है। यस मैम। और साबुन से धुलने के बाद, पानी से धुलने के बाद हम अपने हाथों को साफ तौलिए में या साफ रुमाल में क्या करेंगे? पोछेंगे। पोछ लेंगे, ठीक है। यस मैम। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यस मैम।